स्पोर्ट्स स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता। तो आज हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए स्टार यंग ब्लड पंजाब के पुत्र अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक की जर्नी के बारे में बता दें, ही इज ओनली 18, आई एम राइट। सो 18 साल की उम्र में पहले विजय हजारे ट्रॉफी, फिर रणजी ट्रॉफी, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पार्ट रहे, उसके बाद आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, फिर सनराइजर्स हैदराबाद। तो इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, कैसा लग रहा है और आगे अब क्या गोल है? ऑब्वियसली काफी अच्छा, जैसे ये अचीवमेंट्स गोल छोटे छोटे थे तो काफी अच्छा फील है, प्राउड फीलिंग है। और ऑब्वियसली जो अगला गोल है आई गेस वो इंडिया टीम है, और उसके लिए भी छोटे गोल्स होने चाहिए कि जैसे कोई भी मैच चल रहे रणजी ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट मैचेस, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है जल्द से जल्द। ओके, तो अभी तक जैसे आप खेलते आए हैं, अपना थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से ये शुरू किया और अभी तक का जो आपका जर्नी रहा हुआ है? स्टार्ट आई गेस जब डैड की अकेडमी थी तो उनके साथ मैं जाता था छोटे होते, तो मैं देखता था अपने से जो बड़े हैं। मैं आई गेस तब 5-6 साल का था, तो मैं देखता था जब सीनियर्स को खेलते लेदर बॉल से, मैं तो टेनिस बॉल से खेलता था, तो ऑब्वियसली वो अंदर से पैशन वहीं से आया। फिर ऊपर से टीवी पे देखा सारे क्रिकेटर्स को, जितने भी ये इंडियन टीम में थे सारे देखते, वहीं से पैशन जो मेरा अंदर से बना। तो आप लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं, तो जो पहले आपने साथ में आप बल्लेबाजी भी कर लेते हैं एज एन ऑलराउंडर, तो पहले आपने गेंदबाजी शुरू की या पहले सीधा बल्लेबाजी शुरू की? नहीं, शुरू से ही जैसे बैटिंग ऑलराउंडर ही था, तो शुरू से दोनों में उतना ही कॉन्सेंट्रेट था। जैसे फादर आपके वो भी स्पिन गेंदबाजी करते थे, लेफ्ट आर्म स्पिन, तो आप भी लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। तो पहले मतलब ऐसा कहा गया था कि गेंदबाजी से स्टार की थी, मतलब फादर ने ट्रेनिंग दी सारी, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, जितना मुझे याद है शुरू से आई गेस कि जो शुरू में लेफ्ट आर्म स्पिन ही करता था, जो पापा ने शुरू से वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे तो उनसे सीख रहा था। फिर तो बैटिंग का बीच में जैसे पता चला टैलेंट की बैटिंग का भी है, तो वहीं से फिर बैटिंग का भी स्टार्ट कर दिया, दोनों को उतना टाइम दिया। ओके, बिल्कुल। आजकल जैसे T20 फॉर्मेट्स या 50 ओवर में देखा जा रहा है, ऑलराउंडर्स को प्रेफरेंस दी जाती है जी। तो बीइंग एन आप कह रहे हैं बैटिंग ऑलराउंडर, कि जो स्लो हिटर हैं, लो डाउन द ऑर्डर, साथ में गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो एक एडवांटेज रहता है। तो आईपीएल में भी आपने दिल्ली डेयरडेविल्स, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितना ऑलराउंडर्स को कितना प्रेफरेंस दिया जाता है? ऑलराउंडर को हमेशा प्रेफरेंस ज़्यादा ही मिलती है गाइस हर एक टीम में, क्योंकि ऑलराउंडर्स का जो होता है बैटिंग और बॉलिंग का दोनों के एडवांटेज मिलता है एज अ प्लेयर। तो दिल्ली में भी ऐसा ही था कि मैंने शुरू से बोला था कि लुक दिस एज माई लर्निंग प्रोसेस, तो आईपीएल में भी शुरू में वही मैंने देखा कि लर्निंग प्रोसेस देखूंगा मैं। और जैसे फिर ट्रेड हुआ मैं सनराइज़ हैदराबाद में, तो उसमें एडवांटेज ये थी कि ज़्यादा सीनियर्स प्लेयर्स थे, वो कोचेस ज़्यादा एक्सपीरियंस थे उसमें सनराइजर्स में, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। प्लेयर्स, इवन द प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स थे, सीनियर्स प्लेयर्स थे, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखा। बिल्कुल, आपने सीनियर प्लेयर्स की बात की, केन विलियमसन की कप्तानी के अंदर आप हैदराबाद की टीम में खेले, उसमें भारतीय वर्ल्ड कप टीम में कुछ खिलाड़ी शामिल हैं, भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, उसके बाद राशिद खान जो जो हमारा ड्रेसिंग रूम जो एटमोसफेयर था काफ़ी अच्छा था, जैसे यूनिटी से रहते थे सारे, एक दूसरे के लिए हेल्प करते थे, केयर करते थे, और ऊपर से प्रैक्टिस में बहुत सीरियस थे सारे, तो आई गेस वो काफ़ी हेल्प करती है एज अ टीम आपको चीज़, अगर यूनिटी है आप में टीम में काफ़ी। चलिए, आप अभी बात कर रहे थे राशिद खान के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? उनका खान साहब का तो बहुत नाम चलता है यहाँ पे, जब आईपीएल की खासकर बात कर रहे हैं, उनके बारे क्या कहना है? राशिद खान से आई गेस मेरी काफ़ी उनसे बॉन्डिंग बन गई थी। okay. क्योंकि वो भी यंगस्टर थे अपनी टीम में, काफ़ी यंग सारी टीम्स में सिलेक्ट हुए थे, तो काफ़ी फन करेक्टर है उनका भी। okay. तो जैसे हम दोनों ने काफ़ी मतलब साथ में काफ़ी दिन बाहर भी जाते थे शॉपिंग के लिए खाना खाने, तो उनके साथ वो यही बोलते थे कि उनको एक हिंदी प्रॉपर बोलते थे। अच्छा। मुझे पहले पता नहीं था कि हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं। अच्छा। तो वहीं से फिर हमारी बॉन्डिंग, हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। चलिए, बढ़िया। अगर राशिद खान जैसे गेंदबाज उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये तो सभी चाहते हैं। चलिए, एक हम सेगमेंट शुरू करते हैं जिसमें मैं कुछ प्लेयर्स का नाम बताऊंगा, आपको एक लाइन में उनके बारे में बताना है, ठीक है? सबसे पहले विराट कोहली। रन मशीन। महेंद्र सिंह धोनी। परफेक्ट है। राशिद खान।
फ्रेंड जसप्रीत बुमराह, डेथ बॉलर भुवनेश्वर कुमार, स्मार्ट बॉलर शुभमन गिल, बेस्ट फ्रेंड। ओके, ये तो हमारा सेगमेंट। चलिए अभिषेक, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है कुछ ही दिन में। भारत दो बार चैंपियन रहा है, इस बार इंग्लैंड में जाके खेलना है और पूरी उम्मीद है आप सब फैंस को कि इंग्लैंड में जाके उनकी धरती पर तीसरी बार चैंपियन बनेगी टीम इंडिया। क्या लगता है इस बार? आई गेस जो भी सीनियर इंडियन टीम है वो बहुत ही अच्छी और उनकी जो बॉन्डिंग है, टीम यूनिटी सारी बहुत अच्छी है। सारे एक दूसरे के साथ काफ़ी कुछ खेल चुके हैं बहुत देर से, तो मुझे जो लगता है कि इस साल बेस्ट वर्ल्ड कप की टीम है अभी तक की, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि वो जीत के जाएंगे। अच्छा, अगर जीतने की बात की, टॉप फोर की बात कर रहे हैं सेमीफाइनल की, क्या लगता है कौन सी चार टीमें आप देखते हैं सेमीफाइनल? जैसे अभी वार्म अप मैचेस और वो चल रहे हैं सबके मैचेस, तो उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, ये कह दिया अभिषेक शर्मा ने। तो जो दर्शक देख रहे हैं आप भी बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी चार टीमें इस बार सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? सर, ये आप खुद अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट रह चुके हैं, भारत ने जीत हासिल की थी और उसने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह हराया था, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्योंकि इस बार भी भारत 16 जून को पाकिस्तान के साथ एक अहम मैच होने वाला है, सब वेट कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा था? और पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली सबको एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, हर एक इंडियन कोई भी खेल रहा हो, तो हमें भी थी काफ़ी ज़्यादा। और हम दो साल से मतलब एशिया कप तो हो गया, उसमें वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ कब मौका मिलेगा खेलने के लिए, मगर वो कभी हुआ नहीं क्योंकि वो पहले हार जाते थे, तो इसलिए हम खेल नहीं पाए। तो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स का मौका मिला हमें उनके साथ, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा मतलब सारे आई थिंक ओवर एक्साइटेड थे सारे खेलने के लिए। तो फिर राहुल सर ने, मुझे याद है उससे पहले एक दिन मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन था जब मैं अगेंस्ट पाकिस्तान खेला था और एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हम सबको काम किया जो कि बहुत ज़रूरी था उस दिन और एक दिन पहले मैच से, और काफ़ी कुछ ऐसी बातें की, शेयर की उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो हमें हेल्प की उस मैच में। और हमें था कि थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा मगर वो ईजिली थोड़ा वन साइडेड मैच हो। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में हम पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, जब भी वर्ल्ड कप में खेलती है भारत और पाकिस्तान की टीम वन साइडेड ही रहता है, इंडिया ही जीतती है जी। तो इस बार भी पूरी उम्मीद होगी, और एक जो पीछे हुआ इतना पॉलिटिकल भी जी। उसके बाद एक बोला भी गया है कि अगर बदला लेना है तो क्रिकेट के मैदान में बदला लो, ऐसी उनको हार दिलाओ कि याद रखे पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनकी जनता। तो इसके अलावा मेरा सवाल है कि आपने ये तो कह दिया हराएंगे, भारत ही इंग्लैंड में जीत कर आएगी इस बार, लेकिन क्या लगता है गेम चेंजर कौन साबित हो सकता है, बॉलिंग में बात कर लें या बैटिंग में बात कर लें? बॉलिंग में पहले बात कर लेते हैं। बॉलिंग में ऑब्वियसली जो हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक है काफ़ी एक्सपीरियंस है, जैसे डेथ बॉलिंग उनकी न्यू बॉल से भुवीबाजी हो गए, बुमराह, हार्दिक पांड्या, शामी, ये चारों आई गेस बहुत की बॉलर्स होंगे इंडिया के लिए क्योंकि इंग्लैंड में थोड़ा बॉल भी हिलता है काफ़ी, और ये फास्ट बॉलर्स हमारे सारी टीम से बेटर है, तो इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और बैटिंग की बात कर लें तो क्या? बैटिंग में टॉप ऑर्डर हमारा ऑब्वियसली हर एक कोई ना कोई उसमें से चलता है हर एक मैच में, तो वही हमारे लिए की पॉइंट होगा कि अगर टॉप ऑर्डर चलेगा हर मैच में एक उसमें से कोई बैट्समैन, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, टॉप ऑर्डर हम बात करें शिखर धवन, रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली नंबर तीन पर, ये तो फिक्स है जी। नंबर चार का काफी अभी तक क्वेश्चंस हैं, डिबेट चल रही है अभी तक भी, केएल राहुल को भी रखा गया, विजय शंकर को भी रखा गया, दिनेश कार्तिक को भी रखा गया, क्या आपको क्या लगता है किसको मौका दिया जाएगा? मुझे जो लग रहा है विजय शंकर को मौका दिया जाएगा नंबर चार पे, क्योंकि उसको काफी जो पिछले अभी हमारे साथ भी थे हैदराबाद टीम में भी हैं वो, और जो उसके पीछे काफ़ी सीरीज भी खेले हैं, उसको नंबर चार में एज अ आइडल बैट्समैन रखा गया हर एक मैचेस में जितने भी चांसेस मिले हैं, और मुझे जो लग रहा है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया था। और मीडियम पेस गेंदबाजी भी करने, तो इंग्लैंड कंडीशंस में एक मीडियम पेस गेंदबाज साथ में जो बल्लेबाजी कर लेते हैं जी, तो एक एडवांटेज रहेगा। हाँ, तो अभिषेक, अब इंग्लैंड में ही है वर्ल्ड कप, आप खुद वहाँ भारतीय अंडर 19 टीम खेली है इंग्लैंड में सीरीज, तो आपको उनकी कंडीशंस का अच्छे से जायजा आपने ले लिया होगा, क्या लगता है वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो वहाँ की कंडीशंस में चल सकते हैं? जैसे हम भी लास्ट ईयर गए थे खेलने, तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस, राहुल सर ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, मतलब बैंगलोर में हमारा कैंप था, तो उन्होंने उसके जैसे सरफेस वहाँ पे है वैसे थोड़ा कोशिश की थी वैसे बनाने की, और काफ़ी प्रैक्टिस की थी हमने, और मगर वहाँ जाते फिर हमें बहुत ईजी लगा, हमें ऐसा लगा कि जैसे बैटिंग ट्रैक्स हैं सारे। तो मेरे हिसाब से
जो इस कंडीशन में जिसके बेसिक्स अच्छे हैं, जो शुरू से अपने सॉलिड बेसिक्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। बिल्कुल, वहाँ हाई स्कोरिंग तो राय रही, तो सबसे बोले कि हाई स्कोरिंग मैचेस रहेंगे वर्ल्ड कप में। लेकिन आप अभी प्रैक्टिस की बात कर रहे थे राहुल सर ने बैंगलोर में, क्या ऐसी खास तैयारी करवाई इंग्लैंड के लिए, उसके बारे थोड़ा बताएंगे? हमें उन्होंने टफ कंडीशंस के लिए रेडी करवाया था, जो उन्होंने कहा था मोस्ट प्रॉब्ली मिल सकते हैं, मगर हमें, हम फॉर्चुनेट थे कि हमें कोई ऐसी विकेट मिली नहीं वहाँ जाके। सारे अच्छे, मतलब हम रेडी थे कोई ऐसा टफ, बुरी से बुरी कंडीशन, बुरी से बुरी पिच के लिए आपको तैयार करा के भेजा था वहाँ जी। ओके, तो इसके अलावा मेरा सवाल है, आप इतने सीनियर प्लेयर जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, आप ही अगर बात करें, आप यू आर ओनली 18 अभी, तो यू विल बी लुकिंग अप टू अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, आपके रोल मॉडल कौन से रहे हैं? रोल मॉडल, जैसे मैं बोला था पहले भी इंटरव्यूज काफी में बोला कि यूवी पाजी को शुरू से देखता रहा था जी। फिर जब उनके साथ खेलने का भी मौका मिला तो काफी मतलब प्राउड फीलिंग थी मेरे लिए, और ऊपर से वो काफी मेरा ध्यान लुक आफ्टर भी करते हैं काफी, तो यूवी पाजी एंड महेंद्र सिंह धोनी कूल एंड काम, मतलब क्या क्या क्वालिटीज आप धोनी देते हैं? कूल एंड काम तो होगा ही, फील्ड पे रहते हैं वो, सब प्लेयर उनके जैसे कूल एंड काम बना जाते हैं, और क्या क्वालिटीज? और उनकी ये क्वालिटी द वे ही फिनिश द इनिंग्स, कोई भी इनिंग्स हो, चेस कर रहे हो या फर्स्ट बैटिंग कर रहे हो, तो जैसे वो लास्ट तक लेके जाते हैं, वो काफी अच्छी क्वालिटी है। ओके, अब इंग्लैंड में भारत खेलेंगे, आपने भी दुनिया भर में अलग अलग ग्राउंड्स में खेला है, आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी, फेवरेट ग्राउंड कौन सी जहाँ आप खेलना चाहते हैं? फेवरेट ग्राउंड, जैसे हमारा न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, तो आई गेस न्यूजीलैंड बेस्ट, न्यूजीलैंड इज द बेस्ट प्लेस। और कोई ऐसे फेवरेट ग्राउंड पिच जहाँ पे आपको मजा आता होगा, मतलब यहाँ पे तो ब्रनों की बरसात ही होती है? इंडिया में ही है, जैसे वो वानखेड़े स्टेडियम, ओके, चिन्नास्वामी एंड वानखेड़े। ओके, चलिए, ये तो थे हमारे साथ अभिषेक शर्मा, भारतीय अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम के जो हिस्सा रह चुके हैं, उभरते हुए सितारे, बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे, और जो अब वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड में उसमें कौन से खिलाड़ी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अभिषेक का तो मानना है कि इस बार जो भी हो जाए, चाहे इंग्लैंड में मैच है, जो मर्जी टीमें आ जाए, भारत ही जीतने वाली है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, सेमीफाइनलिस्ट कौन से हो सकते हैं इस बार, चार अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब